हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम करेंगे काउज एंड बुल्स वाली प्रॉब्लम। जो है ये काउज एंड बुल्स वाली प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक बार और पढ़ के बता देता हूँ। राइट डाउन अ सीक्रेट नंबर एंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस द व्हाट द नंबर इज, एंड व्हेन योर फ्रेंड मेक्स अ गेस यू प्रोवाइड हिंट विद द फॉलोइंग। मतलब एक क्वेश्चन है कि भाई तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड पर गेस करवाना है और फिर बताना है, कुछ हिंट भी देना है उसे, क्या वो बता पाता है। तो पहली लाइन में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ बुल्स विच आर डिजिट्स इन द गेस डेटा इन द करेक्ट पोजिशन। जो बुल होंगे ना, वो सीक्रेट और गेस दो जो दो एरे हैं, दोनों में सेम एलिमेंट भी सेम होंगे, उनकी पोजिशन भी सेम होगी। ठीक है, अब काउस का क्या है, काउस क्या है, द नंबर ऑफ काउस विच आर डिजिट्स इन द गेस, ठीक है, गेस में भी डेट आर इन योर सीक्रेट नंबर, मतलब वो सीक्रेट में होगी, गेस में भी होंगी, लेकिन डेट आर लोकेटेड एट द रोंग पोजिशन। ठीक है, स्पेसिफिकली नॉन बुल डिजिट्स। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि दोनों एरे में आपको मैच करना है एलिमेंट काउज एंड बुल को, लेकिन जो करेक्ट पोजीशन पे भी मिलेंगे, सेम एलिमेंट में मिलेंगे, करेक्ट पोजीशन पे भी मिलेंगे, वो रहेंगे बुल, और जो सेम एलिमेंट तो रहेंगे लेकिन करेक्ट पोजीशन पे नहीं रहेंगे, इंडेक्स वैल्यू सेम नहीं रहेगी, वो रहेगी काउज। और फिर हमें कुछ इस तरह से आउटपुट देना है इनको। चलो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें दो काउंट लेना है, कि काउ का काउंट और बुल का काउंट। ठीक है, लेट काउंट, लेट बुल, और फिर लेना है दो ऑब्जेक्ट, लेट सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट ऑब्जेक्ट, लेट गेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गए दो ऑब्जेक्ट। अब हम सिंपल सा लूप चलाएंगे, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। फिर हम करेंगे एक इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ क्या करना है, इफ गैस जो हमारा ये वाला एरे है और ये वाला एरे को एलिमेंट को मैच करना है। गैस कैसे करेंगे, गैस ऑफ आई इक्वल टू सीक्रेट ऑफ आई। अगर ये मैच हुए तो बुल प्लस प्लस करना है। ये मैच कैसे होंगे, क्योंकि दोनों लूप हम आई से ही चला रहे हैं, एक ही लूप में काम कर रहे हैं, तो पता है ये सीक्वेंस वाइज चलेंगे, तो सीक्वेंस वाइज में क्या चेक होगा, एलिमेंट भी चेक होगा और इंडेक्स भी चेक होगा। देख लो आप, अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कंसोल करके अभी, कि हमारा बुल आ चुका है और एक ही बुल आएगा। ठीक है, नोड काउज एंड बुल डॉट चेस। देखो एक बुल आ गया, अब हमें बचे, हमारा काम सिर्फ बचा है काउज का। बुल तो हमने निकाल लिया, बड़ा आसान था बुल निकालना, लेकिन काउज का कैसे निकालेंगे। अब हम एक ये ऑब्जेक्ट में पुट करेंगे पहले तो, इफ लाइक हम क्या करते हैं, सीक्रेट ऑब्जेक्ट लेते हैं पहले, सीक्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ गैस ऑफ आई, गैस ऑफ आई, ओ बिकॉज सीक्रेट, सीक्रेट वाला पहले है या गैस वाला पहले है, ये सीक्रेट है क्या, गैस किया बंदे ने, ओके ये है सीक्रेट, सीक्रेट एरे है और ये है गैस एरे। ओके सो मैंने वो गलत लिख दिया, सीक्रेट को गैस कर दिया, गैस को सीक्रेट कर दिया। अब यहाँ पर तो वैसे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी कर देता हूँ, सीक्वेंस में रहेंगे ये तो अच्छे लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि मैच ही करना है उसको, तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी मैंने पूरा सीक्वेंस में कर दिया। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ सीक्रेट ऑब्जेक्ट को सीक्रेट ऑफ आई से मैच कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू ये ऑब्जेक्ट में डाल रहा हूँ, अनडिफाइंड होगा, क्या होगा, ओके ये हो गया। ओके ये जब अनडिफाइंड रहेगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, एल्स में प्लस प्लस हो जाएगी। ओके और ऐसी की ऐसी कंडीशन में वापस एक बार और रिपीट कर देता हूँ। किसके लिए रिपीट कर देता हूँ मैं, गैस वाले एरे के लिए।
ओके यार, क्या ही हो रहा है। कंट्रोल डी। यस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ। यस ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लो आप कि ये ऑब्जेक्ट में डाल रहा हूं मैं कौन से, सीक्रेट ऑब्जेक्ट में सीक्रेट ऑफ आई, गैस ऑब्जेक्ट में गैस ऑफ आई। ठीक है ठीक है, यहाँ तक ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ऑब्जेक्ट में डाल रहा हूँ। अब यहाँ पर अपन ऑब्जेक्ट चेक कर लेते हैं पहले, सबसे पहले सीक्रेट ऑब्जेक्ट और गैस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉट कॉज एंड विल डॉट जेएस के थ्रो एन एरर का। ओ मैंने गलत लिख गया, माय बैड। नॉट कॉज एंड विल डॉट जेएस, ये पहला एरर है। इसमें आया 178, इसमें आया 078। करेक्ट है, करेक्ट है, क्योंकि ठीक है कि हमें यही लाना था, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट में मिल चुका है हमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस पे ऑपरेशन करेंगे, लेट कीज। अब हम अगर इनकी कीज निकाल लें, कीज किसकी निकालेंगे हम, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट कीज ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट डॉट कीज ऑफ गैस। ठीक है, गैस और सीक्रेट, सीक्रेट 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 ऑफ, सीक्रेट ऑफ। ठीक है, ये हमने सीक्रेट की निकाल ली है। तो हम क्या करेंगे कि जो हम गैस करेंगे वो चेक करेंगे कि क्या हमारे इसमें कीज है या नहीं है। तो एक लूप रन करूंगा, एक लूप रन कैसे करूंगा, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कीज डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ये कीज के ऊपर मैंने रन किया है लूप। अब कीज के ऊपर मैंने लूप रन किया है, तो मैं इसमें पता है कैसे चेक करूंगा। मेरे को सिर्फ काउ का ऑपरेशन करना है, तो काउ से मैं इसमें एक इफ कंडीशन लगाऊंगा, छोटी सी इफ कंडीशन। कैसी कि ओ सो सॉरी, देखो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है पता है, यहाँ पे हमें चेक करना है कि सीक्रेट में हमारी कीज ऑफ आई है या नहीं है। सीक्रेट में कीज ऑफ आई चेक करना है, मतलब किसकी, गैस की। तो हमें यहाँ पर मैंने सीक्रेट लिख दिया, लेकिन यहाँ पे करना है गैस प्लस। यहाँ पे हम क्या करेंगे इस लाइन में, गैस एरे के अंदर जो कीज है, ठीक है, गैस ऑब्जेक्ट के अंदर, गैस ऑब्जेक्ट, ठीक है, गैस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज है ना पूरी, हमने जो भी यहाँ पर इसमें डाली है गैस ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ये सारी कीज हमने ऐसे करके बाहर निकाल ली है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि सीक्रेट एरे में हमारी कीज है क्या, जो कि गैस, समझ रहे हो। ओके, ये जो कीज है हम चेक कर रहे हैं सीक्रेट में, अगर होंगी तो हम क्या करेंगे, काउ प्लस इक्वल टू। अब यहाँ पे थोड़ा सा सीन है, मैथ डॉट मिनिमम, और मैथ डॉट मिनिमम में भी हमें क्या करना है, सीक्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ कीज ऑफ आई, ठीक है, कोमा गैस ऑब्जेक्ट ऑफ कीज ऑफ आई, ये हमें चेक करना है। और अब हमें चेक करना है, ये तो हमारा हो गया बुल, और यहाँ पे हो गई हमारी काउ। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमें काउ की वैल्यू जो चाहिए थी वो मिल गई है। पहले कर लेता हूँ क्लियर, फिर कर देता हूँ नॉट काउज एंड बुल डॉट चेस नन। ओके, हमें वैल्यू मिली है नन। अब ये नन क्यों मिली है, सीक्रेट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर, यहाँ पर सीक्रेट ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने सिर्फ सीक्रेट लिख दिया है। ठीक है, नॉट काउ काउ
एंड डॉट JS, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 हमें चाहिए थे। अब हमें क्या करना है, अब बिल्कुल वैसा का वैसा हमें प्रिंट कराना है अगर, तो क्या करना है, ऐसा करना पड़ेगा, फुल देन यहाँ पे लिखना है ए, देन एक और ब्रैकेट लगाना है, देन लिखना है काउ, देन यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है बी। ये हमारे इस टाइप से प्रिंट कराना है। ओके अब देखते हैं, नॉट काउस एंड बुल डॉट जेस, ठीक है, 1A 2B, ऐसे हमें आउटपुट चाहिए था और ऐसा आउटपुट हमें मिल चुका है जैसा कि हम देख सकते हैं, 1A 2B, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, अच्छा लगे तो देख लेना, तुम्हारे हिसाब से वीडियो को लाइक वाइक कर देना। थैंक यू।